हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नंबर वन कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आएंगे, नंबर टू कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, नंबर थ्री इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, नंबर फोर आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, नंबर फाइव आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए यूपी सीनेट 2025 के रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपका ये एग्जाम है इसको कंडक्ट कौन कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका एबीवीएमयू कंडक्ट कराता है। यूपी सीनेट का मतलब है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। आपको पता होगा यूपी में आपका एबीवीएमयू, आपका केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आपका यूपीएमएस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने सेपरेट एंट्रेंस ना करवा के एक कंबाइंड एंट्रेंस करवाती है। उसके बाद जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी और आपका जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाता है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं 2025 के रिगार्डिंग। तो जो आपका ये ब्रोचर है जो मैंने ओपन कर रखा है 2024 का है, हम इसके ही बिहाफ पे सारे के सारे जो भी डिटेल्स है उनको डिस्कस करेंगे और ज्यादा चेंजेस आपके नहीं आने वाले हैं 2025 में। जो भी माइनर से अगर चेंजेस होते हैं तो मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब तक आएंगे। तो देखो, लास्ट ईयर आपके 25 अप्रैल 2024 को जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो आउट हो गए थे। तो आप मान सकते हो 2025 में आपके अप्रैल के थर्ड और फोर्थ वीक, आपके अप्रैल के थर्ड या फिर फोर्थ वीक में 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके जो फॉर्म है वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और, फॉर्म जब भी आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक या दो दिन के लिए आए और आपके फॉर्म जो है वो आउट होके फिर आपकी जो डेडलाइन है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। आपके फॉर्म जब भी आउट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो आपको अप्रोक्स 1 मंथ मिलता है उस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ भी आपको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, बात करें इसका सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन था कि इसका जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट होगा। तो देखो, लास्ट ईयर आपके 14 जून 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो आप इतना मान सकते हो 2025 में भी आपका जून के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम है आपकी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि अब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हर कोई चाहता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीखने को अच्छा मिलता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और साथ साथ आपकी फीस भी कम होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रेपरेशन करनी है, मेरी गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपके जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.abvmuup.edu.in। यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो जब भी आपके फॉर्म आउट होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसमें कितने सारे कॉलेजेस हैं जो आपके इस पेपर के थ्रू एडमिशन प्रोसेस अपनी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आपका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आपके जो एग्जाम कंडक्ट होगा यूपी सीनेट, उसके थ्रू आपके यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एबीवीएमयू से एफिलिएटेड है, साथ साथ आपका एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू लखनऊ, आरएमएल लखनऊ, यूपीयूएमएस सैफई और एलएलआरएम मेरठ। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलेजेस अपना जो एडमिशन कराएंगे वो इसी एग्जाम के थ्रू कराएंगे। ठीक है, बाकी आपके यूपी के जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो भी अपना एडमिशन इसी के थ्रू करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपको वहां से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा ही मैंडेटरी हो जाता है कि इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कि यहाँ पे कितने कितने सेंटर्स पड़े थे। आप देख सकते हो 19 सेंटर्स पड़े थे, तो आपके हो सकता है कि इस बार थोड़े बहुत सेंटर्स का जो नंबर है वो बढ़ जाए, वरना आप मान के चल सकते हो कि आपके जो सेंटर्स है वो ये रहने वाले हैं। ठीक है,
आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, तो आप अपने नियर बाय सेंटर हमेशा देखना, ठीक है, जहां पे आपको एग्जाम डे पे पहुंचने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का आता है, क्या जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा? तो देखो, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है 2024 में, वो आपका बाइलिंगुअल हुआ था, मतलब इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था आपका पेपर। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, उनको इंग्लिश में इतनी डिफिकल्टी होती है, इसलिए जो एग्जाम था आपका वो दो लैंग्वेज में था। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे थे उन्होंने इंग्लिश में अटेम्प्ट करा, जो हिंदी वाले थे उन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट करा था। ठीक है, और आपका जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था। चांसेस तो यही है कि 2025 में भी आपका यही पैटर्न रहने वाला है, लेकिन अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन मोड में ही आपके फॉर्म भरे जाते हैं, कोई पोस्ट कोई ऑफलाइन मोड में नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, अब हम अदर डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, जो फॉर्म की फीस थी आपकी वो 3000 रुपीज थी, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले इसमें। जनरल कैटेगरी और आपकी ओबीसी के लिए फीस 3000 ही रहने वाली है, बाकी ओबीसी सॉरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपीज थी। ठीक है, ये आपकी फॉर्म की फीस थी। फॉर्म की फीस एक बार अगर आपकी पे हो गई तो वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो वापस नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब आपकी 17 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपका जो 12th है वो आपने पीसीबी से कर रखा हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कर रखा होना चाहिए, और उसमें आपके 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या होने चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ साथ इंग्लिश आपकी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है कि अगर आपने इतना सब कुछ कर रखा है अपने 12th में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होनी चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वही बात करें जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स है ओबीसी, उनके लिए 40% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जिन्होंने एनआईयूएस से अपना 12th कर रखा है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैरिट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। अब बात रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगी आपकी, वो आपकी यूपी गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, और एक चीज और, अब आपका सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनको ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म को फिल तो कर सकते हैं बट उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उनको गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला। अब देखो यहाँ पे, ये देखो आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट के थ्रू नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की, ये पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस फॉर्म में आपका पेपर आता है। ठीक है, तो आप जब थोड़ा स्क्रॉल करोगे यहाँ पे नीचे इसको, तो आपका पेपर पैटर्न का आपको मिल जाएगा कि पेपर पैटर्न किस फॉर्म में रहता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 200 मिनट से आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल था लास्ट ईयर, इंग्लिश हिंदी दोनों में आया था। आपका ओएमआर बेस्ड पेपर था, आपको उसमें 4 ऑप्शंस थे, 1 क्वेश्चन था, उसका 1 आंसर आपको उसमें टिक करना था। ठीक है, हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है और आपकी इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, सिलेबस क्या क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश 20%। ठीक है, और क्लास 12th का था ये सब कुछ आपका। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जनरल के लिए 50% है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए 45%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चीजें दे रखी है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स है इस फॉर्म को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फर्दर डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपको जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊं। ठीक है,
और बाकी ये फॉर्म कब आएगा आपके जो मैंने बता दिया है, जैसे ये फॉर्म आउट होंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दूंगी आप इसकी प्रेपरेशन कैसे करके करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, इन सब पे भी बहुत सारी डिटेल वीडियोस आने वाली है। तो आप प्लीज चैनल पे बने रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।